बाहर निकल, ये बाहर निकल, चल चल चला चला, ओ दादा दादा चला ना, चला ना निकले, चला ना यार, चला चला पहले ही चला, पहले ही चला, चल भाई चल भाई चल भाई, चलो 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 चलो
पाच होणार दोन मिनिट जाऊन द्या जाऊन द्या मोबाईल निवेदन है आप लोग सभी अपने स्थान ग्रहण करें प्लीज नम्र निवेदन है कृपया अपना स्थान और आप लोग सभी से मेरा अपील है कि शांति से अपनी जगह पे बैठें प्लीज हमारे कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं प्लीज इंदौर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अनिल कपूर जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें हमारे जो कॉर्पोरेटर मैडम है संगीता चंद्रकांत जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो अनिल कपूर जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें मैं हमारे दूसरे अतिथि है जो मुंबई बीएमसी से है मिस्टर ढाक संभाजी उनसे मैं हमारी जो प्लान इंटरनेशनल की कलीग एला है एला को मैं रिक्वेस्ट करूंगा
एजेंसी के एक और ऑफिशियल है, मैं ऋतुजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कसकेकर जी बीएमसी से है, आपको ऋतुजा ने पुष्पगुच्छ से स्वागत की है। मैं अभी जीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि चंद्रकांत जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब ओमकार हमारे प्लान इंटरनेशनल के कलीग है, ओमकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाग्यश्री जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पूजा माने हमारे जो कम्युनिटी से आई है, अमेरबाग कम्युनिटी से है, पूजा माने अमेरबाग कम्युनिटी की तरफ ओर से पुष्पगुच्छ से स्वागत श्री अनिल कपूर जी को करेंगे। अब पुलिस विभाग के तरफ की ओर से सुनील काले जी, जो तिलक नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर है, वो अनिल कपूर जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। अब मैं ऋतुजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रीमती संगीता चंद्रकांत जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब हमारी प्लान इंटरनेशनल की कलीग डॉक्टर नवनीता रुद्रा, जो टेक्निकल एडवाइजर है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के एक्टिविटीज का बाहर दौर संभाल रही है, उनको ऋतुजा मनोहर जी। अब तो स्वागत बहुत ऐसा बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं अब अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारे एक प्रेजेंटेशन होगा स्वच्छ चेंबूर स्वच्छ भारत, जो मैं डॉक्टर नवनीता रुद्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो टेक्निकल एडवाइजर है वॉश, उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। छोटी सी छूट हो गई है। एक कार्यक्रम से शुरुआत में मैं हमारी प्लान इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भाग्यश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने ओपनिंग रिमार्क्स करें। प्लान इंडिया के ओर से सबका बहुत बहुत स्वागत है, और खास करके अनिल जी का, और जितने भी डिग्निटीज आज आए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, सबका बहुत स्वागत। मुंबई पुलिस का खास करके बहुत बहुत आभार, जो आज उन्होंने सिक्योरिटी दी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ, पर मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अनिल जी कोई आज पहली बार ये काम नहीं कर रहे, ये जो काम सोशल वर्क का कर रहे हैं प्लान इंडिया के साथ जुड़ के, या पिछले 10 साल से कर रहे हैं। कोई भी सेलिब्रिटी मैं नहीं जानती जो अनिल जी की तरह जितना योगदान इन्होंने दिया है बच्चों के लिए, गांव के लिए, कम्युनिटीज के लिए। तो 10 साल से इन्होंने हर साल, ये तो उनकी 6ठी या 7वीं विजिट होगी जो आज बस्ती में जो आए हैं, वो बिल्कुल लोगों के करीब जाकर, बच्चों के करीब जाकर उनकी परेशानियां क्या है और किस तरह से प्लान इंडिया उनके साथ काम कर इसमें बदलाव ला सकता है, तो उन्होंने बहुत मदद की है। तो आर वी शोइंग दैट फिल्म क्विकली? हाँ, तो बस एक आपको हम छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं, तीन चार
मिनट के लिए कि अनिल जी का किस तरह से योगदान रहा है सोशल कॉज के लिए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जिस तरह आज आपने अनिल पधारे हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संभाजी धागे धाक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारी बात रखें। अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे, स्वच्छतेशी संबंधित आहे। हा विषय ऐकणं आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे। सर्वांनी शांत बसा। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे अनिल कपूर साहेब, एक्झिक्युटिव डायरेक्टर प्लान इंडिया भाग्यश्री मॅडम, टेक्निकल ॲडवायसर रुद्रा मॅडम, ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर हंडोरे साहेब आणि आमच्या लाडक्या नगरसेविका हंडोरे मॅडम, हा प्लान इंडियाचा प्लान इंटरनॅशनल ही एक आंतरराष्ट्रीय कंपनी इंटरनॅशनल कंपनी आहे। या कंपनीकडून आपल्या चेंबूर सारख्या एरियाचा एखादा प्रोजेक्ट किंवा एखादा पॉकेट अडॉप्ट करतं ही आपल्यासाठी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। आणि त्यासाठी आणि यासाठी की आपण एक म्हणतो की पॉवर बँक हे किंवा जो पॉझिटिव्ह एनर्जीचा जो स्रोत आहे अनिल कपूर साहेब हे आपल्या कार्यक्रमाला आले आहेत। मी सर्वांचे पहिल्यांदाच त्यांचं स्वागत करतो आणि अभिनंदनही करतो। महानगरपालिका एनबी सगळ्यांचे डे टू डे कॉन्टॅक्ट मध्ये असते, सर्वांशी ज्यांचं कोणीच नाही जिसका कोई नहीं उसका पीएमसी रहते हैं। तो पीएमसी आणखी नागरिक यांचा एक अटूट संबंध आहे। 24/7 ही सर्विस फक्त महानगरपालिका देते। आता हा जो प्रोजेक्ट आहे की महानगरपालिका तुम्ही काय महानगरपालिका तुम्हाला काय देते त्याच्या अगेन्स्ट आपण काय महानगरपालिकेला देतो हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे। आता जो एरिया मॅडमने सांगितला की जो त्याचं 12,000 पॉप्युलेशन आहे, खरं पाहिलं तर मी आपल्या सन्माननीय सदस्यांना सांगू शकतो महानगरपालिकेने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता प्रत्येक ठिकाणी टॉयलेट असावे असे एक प्रोव्हिजन केलेलं आहे। त्या टॉयलेटचे क्रायटेरिया आहे 35 माणसासाठी एक टॉयलेट असं हे त्याचं प्रपोर्शन आहे आणि या प्रपोर्शनमध्ये आपणाला सगळीकडे टॉयलेट बांधायचे आहेत। प्रश्न आहे की टॉयलेट ज्यावेळेला बांधायचं महानगरपालिकेकडे पैसे आहेत फंड आहेत आमचे आयुक्त एकसारखे मागे लागलेले असतात की तुम्ही टॉयलेट बांधा लोकांना जेवढ्या फॅसिलिटी द्यायची ते फॅसिलिटी द्या। प्रश्न येतो येतो की जागा कुठून मिळणार, जागा उपलब्ध असली तर महानगरपालिकेला या टॉयलेट बांधायला काही प्रश्न येणार नाही। आता जे मॅडमने सांगितलं की 12,000 लोकवस्ती आहे एक टॉयलेट आहे, खरं म्हणजे तिथं कॅल्क्युलेशन प्रमाणे 300 टॉयलेटची अप्रॉक्सिमेट गरज आहे 300 सीट्सची। आता हे 300 सीट्स बांधायचं म्हणजे त्याच्यासाठी जागा पाहिजे। आता महानगरपालिकेने जागेचे शॉर्टेज बघून ग्राउंड प्लस 1 म्हणजे खाली 20 वरती 20 जिथं जशी जागा अवेलेबल असेल अशा प्रकारे टॉयलेटचे ग्राउंड प्लस 1 टॉयलेटचे कन्सेप्ट आता आपण वापरत आहोत आणि हे टार्गेट आपल्याला येत्या वर्षात पूर्ण करायचं आहे। त्यामुळे टॉयलेट हा जरी आपला विषय असला तरी टॉयलेटसाठी ही यंत्रणा महानगरपालिका यंत्रणा एकसारखी काम करत असते आणि आमच्या आयुक्तांचं असं म्हणणं आहे की हे टार्गेट आपल्याला येत्या वर्षात पूर्ण व्हायला पाहिजे ही आपल्यासाठी फार आनंदाची गोष्ट आहे। 2 दिन मेरे कॉन्टॅक्ट में है, उन्होंने कहा कि हंडोरे जी आपके एरिया में हम लोग ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैंने सारे लोगों से बात किया और मैंने कहा कि अनिल जी यहाँ पर आ रहे हैं तो हम पूरे भरकर उनका स्वागत करेंगे और हमारे सारे पब्लिक ने उनका स्वागत किया। अनिल जी गली गली में घूमे, लोगों ने स्वागत किया। गली की कुछ समस्या है येलो गंडे मार्ग में, जहाँ पर आप जाके आए अमीर बाग में गटर की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में आप जब पंजाबी चाल में गए तो मैंने आपको 3 टॉयलेट बड़े बताए, वहाँ पर भी टॉयलेट की अवस्था बहुत खराब है। एक बाजू में चेंबूर पूरा डेवलप हो रहा है
में चेंबूर का एक पार्ट ऐसा है कि जहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज है उसको देना बहुत जरूरी है। तो मैं प्लान इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत सरकार ने जो स्वच्छ अभियान स्कीम जो देश भर चलाई है, हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो मैं प्लान इंडिया के पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली स्थित ये संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका अच्छा रिलेशन है, प्लान इंडिया से आप जुड़े हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बड़ा फंड है तो हमारे विभाग में जो शौचालय की मरम्मत है या डिमोलिशन करके रिकंस्ट्रक्शन करने का प्लान है तो आप उसमें ध्यान दीजिए। और जो पंजाबी चाल और जहां पर आपने विजिट किया, लोगों को स्मरण रहना चाहिए कि हमारे चेंबूर के नेता जो अनिल कपूर जी है, भले आज वो जूह में जाके रहते हैं लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो चेंबूर में ही आपका हुआ और आप चेंबूर से जुड़े हुए हैं और चेंबूर के ऐसे तबके में आप आ गए हैं कि जहाँ पर हमारे सारे गरीब लोग रहते हैं, तो उनको भी स्मरण होना चाहिए कि अनिल कपूर साहब यहाँ पर आए और आने के बाद में हमारे विभाग का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप यहाँ पर आ गए, हमारे विभाग में आप घूमे, मैं हमारे सारी जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चंद्रकांत जी, मुझे मालूम है आपके पास भी काफी पॉइंट्स थे लेकिन समय के अभाव के कारण हमने चंद्रकांत जी को छोटा सा रिक्वेस्ट किया कि आपका स्पीच थोड़ा लिमिट रखे। अभी जब संभाजी जी डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक प्रेजेंटेशन करना था उनको, एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो उन्होंने एक ऐसा वीडियो दिखा के हम लोग सबको एक बार सोचने में मजबूर किया है कि कहीं हम लोग भी इसमें भागीदार तो नहीं है। केवल हम लोग यही सोचते हैं कि बीएमसी काम नहीं करती है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का भी जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है कि ये गंदगी से हम भी कैसे बचा सके। आपको वहां पर कूड़ेदान रखे हुए, मैंने भी खुद देखा है कि कूड़ेदान के आसपास में सामान कचरा गिराया जाता है, कूड़ेदान में कृपया आप लोग गिराइएगा। अब मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप हमारे पब्लिक के सामने दो शब्द बोलो। नमस्कार, आज मैं चेंबूर आया हूँ, इस एरिया में आया हूँ चेंबूर स्टेशन। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन सब के सामने आज यहाँ हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज लोगों ने मुझे ये पूरा आज बंदोबस्त किया, मुझे वहाँ से यहाँ तक मैंने सब चीज़ें देखी, आपसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई, आप सबसे मुलाकात हुई, ये फिल्म देखी, चेंबूर के वासियों जितने भी यहाँ बच्चे हैं आप लोग सब यहाँ आए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जो भी कहूँगा, जो मुझे आता है, जो मैं दिल से कहता हूँ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। ये देखिए जो जो बातें इन सब ने की हैं मुझे पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से सुनी है कि नहीं सुनी है, आपने समझने की कोशिश की है कि नहीं की है, लेकिन मैं तो बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश नसीब था कि मेरे माँ बाप, स्पेशली मेरी अम्मा, हमारी मेरी पैदाइश जैसे कि आप जानते हैं कि तिलक नगर में हुई, यहाँ से नजदीक ही है और इस एरिया से चेंबूर स्टेशन से मैं रोज चलकर स्कूल जाता था। मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर्स ने, जो जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो मैंने ध्यान से सुना और मेरे माँ बाप ने मेरे को बताया कि किस तरह इम्पॉर्टेंट है, किस तरह बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को साफ रखना, अपने घर को साफ रखना। साफ
जो कूड़ा है जो कचरा है सही जगह सही वक्त पर, अगर मैं इस एरिया में रहकर, अगर मैं चंबूर में रहकर यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप सब भी पहुंच सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सफाई का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर मैं, सब लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत मैं स्वस्थ हूं, बहुत तंदुरुस्त हूं अपनी उम्र के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सफाई का और साफ सुथरा और अपने आप को हेल्दी रखने का, सही चीजें सही वक्त करने का बहुत बड़ा हाथ है उसका। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, आप सब यहाँ हैं, आप लोग सब हैं बच्चे लोग, मैं भी आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग भी अपने माँ बाप की बात सुने। वो अगर कहें कि ये इसको साफ रखना, अपने हाथ धो, सही वक्त पर नहाओ, सही वक्त पर चीजें करो, बड़ों की मदद करो, बुजुर्गों की मदद करो, पड़ोसों की मदद करो, तो आप सबको बच्चों को करना चाहिए, माँ बाप की बात माननी चाहिए। ये तो आप लोगों का बहुत बुरा हाल होगा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप की बात सुनो, और वो कहते हैं कि सब चीजें साफ होनी चाहिए, सही वक्त पर होनी चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। और जितने भी यहाँ माँ बाप हैं, जितने भी यहाँ माएँ हैं, जो भी यहाँ हैं एल्डर्स हैं, जो हैं चाचा चाची भाई बहन दोस्त जितने भी हैं, ये बहुत बहुत, अगर आप दूसरों के लिए कुछ मत करो, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए करने के लिए, तो एटलीस्ट अपना घर तो साफ रखो। उतना भी अगर आप करेंगे, उतना भी आप करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अपना घर, जैसे कि उन्होंने बीएमसी जी ने कहा कि सही वक्त पे कचरा देना, सही वक्त पे सही जगह जाना। मैंने सारी चीजें यहाँ की देख ली है, क्या क्या नाले का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, मैं एक दिन में तो ये सब चीजें कर नहीं सकता, मगर मैंने सबका मुआवजा किया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने क्यों सोचा कि मैं चंबूर आऊं, यहाँ आऊं, मैं जू में रहता हूँ, जिन्होंने जैसे इन्होंने कहा मैं जू में रहता हूँ, मैं जू में भी कर सकता हूँ, पर मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जहाँ पैदा हुआ वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कुछ चीज जो जगह है चंबूर में जो बहुत डेवलप हो रही है, और कुछ जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल डेवलप ही नहीं हो रही, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ गलतियां कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलती कर रहे हैं या ये गलती कर रहे हैं, या हम सब कहीं ना कहीं कुछ हम लोग गलतियां कर रहे हैं जो हमें सुधारनी है। और मैं अपनी तरफ से जो हमारे सब जितने भी लोग हैं मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो जुड़े नहीं, मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा जितना मेरे में ताकत है, जितना मेरा मैं जितना कर सकता हूं मैं करने की कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि मैंने यहां देखा कि यहां दो नए स्वच्छ टॉयलेट्स हैं और एक जो है वो पेड टॉयलेट है, करेक्ट? सही बात है ना? सही बात। और इन्होंने कहा कि जगह की कमी है, तो इसका भी हम लोग इस पर भी सोच विचार करेंगे कि ऐसा कैसे, जगह की कमी है तो इस पर हम कैसे कुछ चीज़ें कर सकें। मैं फिर वहाँ गया पंजाबी बाग से, पंजाबी चौल से और अपना अबीर बाग, तो मैं कुछ परिवारों से मिला, तो एक मोहतरमा जी थी, उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारा नाला है बहुत ही गंदगी से और पीने का पानी भी अच्छा नहीं है और सब मिल जाता है और सब ये इससे ही सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ शुरू होती हैं, तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ करने के लिए ताकि वहाँ का पूरा नाला भी पूरा साफ हो जाए और यहाँ का जो पूरा एरिया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैंने इनसे कहा है, पूरे जितने भी लोग हैं, कि जो जो आप लोगों की कंप्लेंट्स हैं वो आप जो हैं नरेंद्र जी हैं प्लान इंडिया से उन्हें बताएं, नरेंद्र जी बीएमसी जी से प्लान, और हम लोग सब मिलकर पुलिस जो है यहाँ अपना तिलक नगर के हमारे जो करता धरता है उनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैंने बोला कोई इधर कोई एरिया में प्रॉब्लम हो तो बोल देना मुझे, समझे ना, सबको जानता हूं मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, समझे ना, पॉलिटिशियन को जानता हूं, ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, बीएमसी को जानता हूं, टोकम टाकी को भी जानता हूं। प्यार से रहता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ, मगर
सब मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा तो कर सकेंगे जम्बू के। अमीर ये जो है अपना अमीर बाग के लिए, पंजाबी चौक के लिए, देखिए ये जो आज ये लोखंडे मार्ग है, यहाँ जो मैं पूरे एरिया में गया हूँ, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी और कुछ वक्त दीजिए हमें। और मेरी उम्मीद है, मैं ये कहूँगा और ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये पूरा जो एरिया है आप लोगों को गर्व होगा, ये मेरा वादा है। पूरी कोशिश करूँगा, मगर आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए। आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, बिल्कुल पक्का है ना, और मैं आपकी मदद करूँगा। आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद, आप लोग मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद, मैं अकेला नहीं कर सकता ये, आप सबको मिलकर, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और मेरा काम है, जैसे बोलते हैं कि मैं, इन्होंने कहा कि मेरे को आपसे मिलकर मुझे एनर्जी आई है, तो मेरे में जितनी एनर्जी मैं आपको दूंगा, आप मेरी एनर्जी लीजिए, मेरी ताकत लीजिए, मेरा टाइम लीजिए, सब कुछ लीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्वस्थ चंबू स्वस्थ भारत, सबसे पहले जहां पैदा हूं पहले उसको पहले स्वस्थ हूं, बाकी तो यहां छोड़कर गया, मगर मुझे ये जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि यहां से मेरी शुरुआत हुई और सबसे पहले इसका स्वस्थ होना बहुत, ठीक है ना, ओके आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब आए, आप लोगों ने सुना, मैंने ये सब चीजें देखी और काफ़ी कुछ मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, सारी सोच लेके जा रहा हूँ, और फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, रियली आपने कुछ बातें रखे हैं जो हम सबको हमारे साथ ले जाना चाहिए। वो हमारे साथ आज इस मंच के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ अपने बारे में और अपने जो स्वच्छता के बारे में पाठ दिया, बट और कहा कि भाई हम आगे कैसे इस कार्यक्रम में, जो स्वच्छ भारत स्वच्छ चंबू कार्यक्रम में, और आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो इस सब के लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपना बहुत कीमती समय दिया है, और हम इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये जो है ये एक प्रक्रिया की शुरुआत है, हम लोग आगे और भी जुड़ेंगे और आगे और कार्यक्रम करते रहेंगे जब तक कि हम जो स्वच्छ चंबू स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है उसको हम अचीव ना कर पाएं। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्लान इंडिया के साथ बहुत सारे कार्यक्रम में भागीदारी की है, बहुत सक्सेसफुल रहा है आपका साथ, और आई एम श्योर कि इस कार्यक्रम में भी आपका साथ जो है वो बहुत हम लोगों को जो है दिशा निर्देश और हम लोगों को जो सक्सेस की तरफ आगे ले जाएगा। साथ साथ हमारे जो कॉर्पोरेटर साहिबा बीएमसी की जो अधिकारीगण हैं और जो आज यहाँ आ पाए, लेकिन कुछ जैसे मराठे साहब काले साहब जो लोग गर्दी करो ना करा जनला काम कर दे उतर खाले काय काम है तुझा Oh,